गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। गुड इवनिंग। तो एक्सरसाइज नंबर 7.1 हमने स्टार्ट की थी, ठीक है, दो दिन पहले। और क्वेश्चन नंबर 6 का तीनों पार्ट मैंने होमवर्क दिए थे। एक पार्ट करवा दिया था, उसको डिस्कस कर लिया था। वो क्या बना था? स्क्वायर बना था। ये स्क्वायर बना था ना, हमको करना क्या था? बेसिकली डिस्टेंस फॉर्मूला की मदद से टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल बताना था, किस टाइप का ये क्वाड्रिलेटरल है। चलो, तो सेकेंड एंड थर्ड आप सब लोगों ने किया होगा, तो शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। तो लेट अस से ये वाला पॉइंट है पी, ये है क्यू, ये है पी, ये क्यू, आर एंड एस। तो आप लोगों ने निकाले होंगे डिस्टेंस। तो पी क्यू डिस्टेंस कितनी निकली, बस ये बता दो मुझे कैसे निकाली। वो तो मुझे पता है आपको आता है, बस आप ये बता दो कि कितनी निकली डिस्टेंस, क्या निकली डिस्टेंस पी क्यू? 2√30, सही, 13, ओके, 2√13 यूनिट्स, ओके। टेल मी क्यू आर डिस्टेंस कितनी निकली? अच्छा, एक ही बच्ची निकाल गया, ये क्या? तो निकालो, बोलो ना, फिर सबसे पूछ रहा हूं ना मैं, बोलो क्यू आर डिस्टेंस कितनी निकली। मतलब क्यू आर का मतलब सेकेंड एंड थर्ड पॉइंट, हो सकता है आपने लेटर्स अलग लिखे हो, बी सी लिखा हो उसकी जगह, क्या निकला? √13, ओनली √13, करेक्ट है, ठीक है। यश बता मुझे आर एस डिस्टेंस कितनी निकली, खड़ा हो जा, बैग उठा, चल बार बार, चल बार, फटाफट गेट आउट। सेकेंड वाला नहीं किया, थर्ड वाला कर लाया, सेकेंड वाला क्यों नहीं किया? सेकेंड वाला नहीं किया, भूल गया, और थर्ड वाला कर लिया। तेरे को क्या लगता है हम बेवकूफ बैठे यहां पे? तो सेकेंड वाला कैसे भूल सकता है तू, जब थर्ड वाला कर लिया, उल्टा शुरू किया था क्या? चल थर्ड वाले का बता, थर्ड वाले में बता पी क्यू डिस्टेंस कितनी निकली, क्यू आर कितनी निकली, आर एस एस टी, चारों बोल। थर्ड वाले पार्ट में बोल पी क्यू डिस्टेंस कितनी निकली। चल खड़ा हो जा, श्रेष्ठ बता भाई आर एस डिस्टेंस कितनी है? √2 यूनिट, करेक्ट है क्या? और एस टी डिस्टेंस कितनी निकली, श्रेष्ठ ही बताएगा। नहीं निकाला है ना, यस और नो? करके आया है घर से या नहीं करके आया है? घर से करके आया है कि नहीं करके आया है? क्या देख ले, इधर लेके आ, थोड़ा बहुत कितना बहुत किया है। ओजस्व बताओ एसटी यूनिट, एसटी डिस्टेंस क्या निकाली आपने? ओनली 84 या √84? ओनली 84, √84। तो √84 को बेटा आगे भी सॉल्व करना था। पहली बात तो बताओ, √84 सही है क्या? √84 ही गलत है। और अगर बाय द वे √85 करेक्ट है क्या? √85 यूनिट्स, बैठो हो जस, हाँ श्रेष्ठ, ले जाओ आपकी नोटबुक, क्या किया है आपने? नहीं करा है, बाहर खड़े हो जाओ, क्लास के बाहर खड़े हो जाओ। और यश आप भी निकलो यहाँ से, जल्दी निकलो, टाइम वेस्ट मत करो मेरा, बाहर निकलो दोनों, बाहर निकलो। श्रेष्ठ यहाँ पे खड़ा हो जा बाहर, मैं जो कह रहा हूँ वो कर ले, बाहर से क्लास लेगा तू, एंट्री नहीं है क्या अभी? अभी दो तीन दिन रुक जाऊं, क्यों रुक जाऊं दो तीन? कल मम्मी से बात हुई है, मम्मी कहती है बुक भी नहीं उठाता है घर में, ये दो तीन दिन खत्म हो गए। दो तीन दिन से तू हर रोज दो तीन दिन बोल रहा है, दो तीन दिन से तू हर रोज ही दो तीन दिन बोल रहा है। इसको करने में 10 मिनट लगती है, इसको करने में 10 मिनट लगती है, 10 मिनट बाहर बैठ के तुम पटलाइयां करते हो। इसको करके जाएगा, समझ गए? नहीं तो बंद कर दूंगा यहीं पे ही। बैठो, मजाक समझ के रखा है। बोलो आर एस डिस्टेंस कौन बोलेगा? 5√2 यूनिट्स, ओके। और यार ये √85 यूनिट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि पी क्यू क्यू आर आर एस और एस टी ही बराबर नहीं निकले,
तो जब ये ही बराबर नहीं निकले, जब ये चार डिस्टेंसेस ही बराबर नहीं निकली, तो फिर डायगोनल की डिस्टेंस निकालने का कोई फायदा है क्या? तो हम यहाँ पे डिस्टेंस PR और डिस्टेंस QS जो है वो निकालेंगे ही नहीं, क्योंकि अगर वो बराबर निकल भी जाएंगी तो भी कुछ फायदा है नहीं, तो उसको निकाल के हम अपना टाइम वेस्ट क्यों करें। चार साइड्स अगर अनइक्वल हैं, चारों ही अलग अलग साइड्स हैं, तो उस क्वाड्रिलेटरल को सिंपली कह देते हैं, या तो सिंपली कह दो क्वाड्रिलेटरल, या फिर सिंपली कह दो स्केलिन क्वाड्रिलेटरल। क्या कहेंगे? स्केलिन क्वाड्रिलेटरल, स्केलिन क्वाड्रिलेटरल। समझ आया? चलो अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो अगेन मैं इसको P, इसको Q, इसको R एंड इसको S मानता हूं। डिस्टेंस होपफुली आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया, तो करेक्ट ही निकाली होंगी, तो जिससे पूछूं वो बताते जाए। बोलो अंश, डिस्टेंस PQ क्या निकाली आपने? निकाली है कि नहीं निकाली? क्यों नहीं निकाली? हाँ, तेज जवाब दो, टाइम ही नहीं मिला। पत्थर तोड़ने गए थे, पहाड़ तोड़ने गए थे, कौन सा चैप्टर कर रहे थे, किसने कहा करने के लिए? मनमर्जी चलती है क्या? जब फिफ्थ चैप्टर चल रहा था तब नानी के घूम रहे थे, अभी दो दिन की छुट्टी दी थी ना मैंने, क्यों नहीं किया उस टाइम फिफ्थ चैप्टर? फिर अभी सेवंथ करा रहा हूं तो अभी फिफ्थ कर रहे हो, फिर जब एट कराऊंगा तब सेवंथ करोगे? अपने घर का राज चल रहा है क्या यहाँ पे? आप भी अभी करके जाओगे क्वेश्चंस। बोलो सुयश, पीयू डिस्टेंस क्या निकाली है? रूट। भाई तुम्हारे हिसाब से अगर कोई तुमको टीचर पढ़ाता हो तो मैं हाथ जोड़ता हूं, पहली फुर्सत में निकलो यहां से और उस टीचर के कदमों में गिर जाओ जो तुम्हारे हिसाब से पढ़ाता हो। यहां पे हर बच्चा मेरे हिसाब से पढ़ेगा, अच्छा लगे तो ठीक, नहीं लगे तो कोई बात नहीं, जो काम कह दिया सो करना है। रूट 10 यूनिट्स, क्यू आर डिस्टेंस बोलो, सौम्या बोलो, नेक्स्ट आर एस डिस्टेंस रूट 10, करेक्ट है क्या? ये कितना बताया? 3√2 यूनिट्स। आप बोलो नितिशा, पी क्यू क्यू आर एस आर एस एंड चौथा कौन सा हो जाएगा? एस पी टी कौन सा पॉइंट है? पी एस या एस पी? हाँ बोलो एस पी, 3√2 यूनिट्स। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, ऑपोजिट साइड्स इक्वल हुई। देखो एक छोड़ के एक इक्वल आता है तो ऑपोजिट मानी जाती है, और लगातार ऐसे इक्वल आ जाती, लेट से ये दोनों इक्वल आ जाती और ये दोनों इक्वल आ जाती, तो फिर ऑपोजिट नहीं होती, फिर वो क्या होती? एडजेसेंट साइड्स होती, और एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती तो क्वाड्रिलेटरल क्या बनता? काइट। और एडजेसेंट साइड्स इक्वल आ जाती तो भी डायगोनल निकालने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो तो फिक्स हो गया ना काइट, तो डायगोनल इक्वल हो या ना हो काइट तो काइट ही रहेगी, ठीक है? तो लेकिन प्रॉब्लम यह है कि एडजेसेंट साइड्स इक्वल नहीं आई है सर, यहाँ पे ऑपोजिट साइड्स इक्वल आई है। तो अब दो ऑप्शन है, या तो ये ऑपोजिट साइड्स किस किस क्वाड्रिलेटरल की इक्वल होती है, एक तो होता है पैरेललोग्राम, दूसरा ऑप्शन अगर उसके डायगोनल्स इक्वल हो जाए तो रेक्टेंगल। हालांकि रेक्टेंगल भी एक तरीके का पैरेललोग्राम ही होता है, राइट, लेकिन वो पैरेललोग्राम ही रहेगा या पैरेललोग्राम से एक कदम आगे रेक्टेंगल तक पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, इसका डिसीजन कौन लेगा? डायगोनल्स। तो डायगोनल्स यानी कि डायगोनल PR एंड डायगोनल QS। चलो डायगोनल PR बोलो, हाँ गायत्री बोलो, डायगोनल PR की वैल्यू क्या निकाली आपने? 2 यूनिट, ओके वेरी गुड। एंड साक्षी आप बताओ डायगोनल QS की वैल्यू? √52, करेक्ट है क्या? √52 तो इनकरेक्ट है, कैसे निकाली? डायगोनल QS, अच्छा √52 सॉल्व होगा, ओके तो √52 को पूरा क्यों नहीं सॉल्व किया? 52 को फैक्टराइज करो ना, बोलो कितनी किससे जाएगा ये? 2 से जाएगा, कितने बार? 26 बार। फिर वापस 2 से जाएगा, कितनी बार? 13 बार। फिर 13 से जाएगा, तो उसको क्या लिख सकते हो? 2 × 2 × 13, दो दो का एक पेयर कंप्लीट हो गया, इसको बाहर करो, 2√13 यूनिट्स। ये तो मैच हो गया आप सबसे, तो आपने करेक्ट किया है, बस आगे सॉल्व नहीं किया, तो सॉल्व करके देखना पड़ेगा। पता है क्यों? क्योंकि हो सकता है पहले वाला 2√13 आ गया हो और दूसरा वाला आपने √52 पे छोड़ दिया, तो आपको ऐसा लगेगा तो अलग अलग है, बट सॉल्व करने के बाद पता चलेगा ना तो एक ही है, समझ रहे हो? तो पूरा सॉल्व करना है हर हाल में।
ओके चलो, तो हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि ये एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसकी ऑपोजिट साइड्स तो ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल बट डायगनल्स आर नॉट इक्वल या अनइक्वल, डायगनल्स आर नॉट इक्वल। तो अगर डायगनल्स इक्वल नहीं है तो पैरेललोग्राम है कि रेक्टेंगल है, टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर। अब कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन बन जाए कर लोगे सॉल्व। मुझे नहीं लगता कि बिल्कुल कोई भी एक पहलू भी छोड़ा है, पूरा डिटेल में हमने इस क्वेश्चन को किया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी मार्क कर लेना। क्लियर है? ओके चलो, अब नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन शुरू करते हैं। यहां से कुछ अलग टाइप ऑफ क्वेश्चन शुरू होते हैं सेवन से जो क्वेश्चन शुरू होते हैं वो आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की क्लास नाइन्थ की नॉलेज को भी चेक करते हैं। हमने क्लास नाइन्थ में कुछ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की नॉलेज ली थी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कैसे होते हैं, और इस साल हमने रिवाइज भी तो करी पहली क्लास में कि x एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो उसके कोऑर्डिनेट्स किस टाइप के होते हैं, या y एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो उसके कोऑर्डिनेट्स किस टाइप के होते हैं, राइट? तो क्वेश्चन है फाइंड द पॉइंट ऑन द x एक्सिस, x एक्सिस के ऊपर से एक पॉइंट ढूंढ के निकालो, किस तरह का पॉइंट होना चाहिए, विच इज इक्विडिस्टेंट। इक्विडिस्टेंट का मतलब क्या होता है? इक्वल डिस्टेंस पर होना। इक्विडिस्टेंट का देखो दो शब्द बने हुए हैं, हमेशा संधि विच्छेद कर दिया करो आप, तो इक्वी मींस इक्वल और डिस्टेंट का मतलब होता है, डिस्टेंट का मतलब ऐसे होता है दूर होना। डिस्टेंट का मतलब क्या होता है? दूर होना। जैसे मैंने कहा ए इज डिस्टेंट फ्रॉम बी, यानी ए बी से दूर है, तो इक्वी डिस्टेंट का मतलब हो गया ए बी से बराबर दूर है, बराबरी की दूरी पर। दूरी पर तो है लेकिन बराबरी की दूरी पर। दैट मीन्स जो पॉइंट आप ढूंढोगे ना एक्स एक्सिस पे वो इन दोनों पॉइंटों से बराबर की दूरी पर होना चाहिए। क्वेश्चन समझ में आ गया क्या सबको? सबको समझ में आ गया? चलो एक इसका रफ डायग्राम बनाते हैं। वैसे इस क्वेश्चन में डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, जब आप सॉल्व करोगे तो विदाउट डायग्राम ही करना है अपने को, बट आपको समझ में आ जाए इसलिए एक रफ डायग्राम बनाते हैं। लेट अस से ये वो कार्टेशियन प्लेन है, फाइन। देखो पहला पॉइंट कौन सा दे रखा है, 2, तो अंदाजे से 2, -5 प्लॉट कर देते हैं अंदाजे से। तो 2, -5 अंदाजे से कहां प्लॉट होगा, या अंदाजे से ही क्यों करें, हमारे पास तो है ना ग्राफ है ना, रुक जाओ खोल ही लेते हैं तो पूरा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। आपके लिए यहां पे पूरी सुविधा है हर चीज की, बट फिर भी अगर आप नहीं पढ़ते हो तो फिर आप दुनिया के किसी भी जगह पे नहीं पढ़ सकते हो। हाँ जी देखो 2, तो 2, -5 प्लॉट करो, प्लॉट करके बताओ कहाँ आएगा, कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। सेकंड में जाएगा 2, -5 है ना, तो 2, -5 ये वाला पॉइंट होगा, यस और नो, ठीक है। बोलो नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है, -2, -9 होगा सेकंड क्वाड्रेंट में, तो -2, यहां पे होगा, फाइन। चलिए इसको मार्क कर देता हूं, ये तो हो गया मेरा, लेट अस से जो पहला पॉइंट है उसको ए लिख देता हूं, ठीक है, और जो दूसरा पॉइंट है उसको बी लिख। अब क्वेश्चन क्या है, ये दो पॉइंट तो गिवन है। अब क्वेश्चन ये है कि ये इतनी लंबी एक्स एक्सिस दिख रही है, अभी तो मैंने यहाँ -13 लगाया, और भी लंबी है लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में भी और भी लंबी है 16 के बाद भी, फाइन। इसमें से इस एक्स एक्सिस पे कहीं पर भी एक पॉइंट है ऐसा जो ढूंढ के बताना है आपको। ये सपोज करो मैंने पॉइंट ढूंढ दिया यहाँ पे, तो अब ये पॉइंट उस पॉइंट से और इस पॉइंट से बराबर की दूरी पे होना चाहिए, यानी इससे जितना दूर है इससे भी उतना ही दूर होना चाहिए। तो देखो ये तो मैंने एग्जांपल के तौर पे ऐसे रख के बता दिया था, देखो ध्यान से देखो ये इससे पास दिख रहा है बजाय कि उससे दूर दिख रहा है ना, तो यानी कि ये पॉइंट वो पॉइंट नहीं होगा। आपको तो ऐसा पॉइंट ढूंढना है जो बराबर की दूरी पे हो। थोड़ा सा अगर मैं इसको पीछे खींचूं तो शायद मिल सकता है, जैसे मैंने यहां खींच लिया लेटर से, तो देखो अंदाजे से बताओ कि ये बराबर की दूरी हुई क्या। अच्छा पॉइंट एक्स एक्सिस पे होना चाहिए, ये उसकी रिक्वायरमेंट है कि पॉइंट किस पे होना चाहिए, एक्स एक्सिस के ऊपर। अभी भी थोड़ा सा ज्यादा दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि थोड़ा सा और खींचना पड़ेगा, क्योंकि देखो जितना मैं दूर जा रहा हूं तो इससे दूर होता जा रहा हूं, लेकिन दूर तो उससे भी हो रहा हूं, ठीक है। तो अब अंदाजे से तो पता नहीं चलेगा, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए ये पूरा इलस्ट्रेशन किया है, एक्चुअल तो अपन कैलकुलेशन से पता लगाएंगे, ग्राफ की तो जरूरत भी नहीं है, ठीक है ना। लेट अस से वो पॉइंट कहीं यहां आ रहा होगा, मुझे पता नहीं उसका कोऑर्डिनेट्स क्या है, ये लो ये इससे बराबर की दूरी पे हो गया, ठीक है। मान लो ये वो पॉइंट है, उसको P नाम दे देते हैं जो इससे बराबर की दूरी पर है। दैट मीन्स अब डिस्टेंस PB और डिस्टेंस PA बराबर है।
अच्छा बी के कोऑर्डिनेट्स हमको गिवन है क्या है, माइनस टू कॉमा, ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है, माइनस टू नहीं, टू कॉमा माइनस फाइव, टू कॉमा माइनस फाइव, ठीक है। अब ये दोनों डिस्टेंस अगर बराबर हैं, दैट मीन्स दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस, तो क्यों ना ये डिस्टेंस निकाल लें और ये डिस्टेंस निकाल लें और दोनों को बराबर कर दें, क्योंकि बुकी तो कह रही है कि ये दोनों डिस्टेंस बराबर है। लेकिन प्रॉब्लम है, डिस्टेंस निकालने के लिए दोनों एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, चाहिए ना। लेट अस से मैं डिस्टेंस पी भी निकालने जाऊंगा, तो पी भी के लिए मुझे बी के भी कोऑर्डिनेट्स चाहिए और पी के भी चाहिए, तो बी के तो हैं बट पी के कहाँ है, पी के तो है ही नहीं। सिमिलरली अगर मैं डिस्टेंस पी ए निकालने जाऊंगा तो भी मुझे दोनों के चाहिए, ए के भी चाहिए और पी के भी चाहिए, तो ए के कोऑर्डिनेट्स तो हैं बट अगेन पी के नहीं है, तो दोनों ही केस में किसके कोऑर्डिनेट्स मिसिंग है, पी के कोऑर्डिनेट्स मिसिंग है। बट हमको लग रहा है मिसिंग है, पर मेरी नजर से देखो एक कोऑर्डिनेट तो गिवन है। अरे पॉइंट एक्स एक्सिस पर है तो कुछ भी हो जाए, इसका वाई कोऑर्डिनेट तो जीरो होगा ना, होगा। इसीलिए इंट्रोडक्टरी क्लास में लिखवाया था कि एक्स एक्सिस पर लाए होने वाले हर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स वाई कोमा जीरो टाइप के होते हैं, सॉरी एक्स कोमा जीरो टाइप के होते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है और वाई कोऑर्डिनेट तो जीरो रहेगा ही रहेगा। तो क्यों ना मैं पी के कोऑर्डिनेट्स मान लूं एक्स कोमा जीरो। अब पी का एक कोऑर्डिनेट तो मिला, एक तो मिला, तो एक मिला तो अब जब मैं इसको रूट से वो डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालूंगा तो ऑब्वियसली ये डिस्टेंस एक्स की फॉर्म में निकलेगी, क्योंकि एक कोऑर्डिनेट एक्स की फॉर्म में। इसको भी मैं निकालूंगा तो ये भी एक्स की फॉर्म में निकलेगी, और फिर इन दोनों डिस्टेंस को इक्वेट कर देंगे तो एक्स की वैल्यू सॉल्व हो जाएगी। समझ में आया सारा पूरा मैप आपको बता दिया करना क्या, समझ आया बेटा। शुरू करें, स्टार्ट करें हम, चलो। तो ये डायग्राम आपको एक्चुअली करना नहीं होता है, ये समझाने के लिए था। लिखना स्टार्ट करो, चलिए। दो पॉइंट्स गिवन है, उनको ए और बी मान लेते हैं जैसे इसमें माना था। लेट द गिवन पॉइंट्स बी ए, ए के कोऑर्डिनेट्स क्या थे, टू कॉमा, एंड दूसरा पॉइंट को बी मान लेते हैं जिसके कोऑर्डिनेट्स है माइनस टू कॉमा नाइन। अब एक तीसरा पॉइंट है पी, जो कि इन दोनों से बराबर की दूरी पर है, और वो पी पॉइंट जो है वो एक्स एक्सिस पे लाया करता है, तो एक्स एक्सिस पे लाया करता है तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, एक्स कॉमा जीरो टाइप के होंगे, है ना। एक्स कुछ भी हो सकता है बट वाई कोऑर्डिनेट जीरो। तो मैं लिखता हूं, नाउ लेट ए थर्ड पॉइंट पी जिसके कोऑर्डिनेट्स हो गए एक्स कॉमा जीरो, लाइंग ऑन द एक्स एक्सिस। लाइंग भाई, कोई सोचे सर इसके आपने कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा जीरो कैसे ले लिए, तो इसकी इसका जो आंसर है वो अगली लाइन में आ गया, लाइंग ऑन द, क्योंकि ये पॉइंट खुद एक्स एक्सिस पे लाया कर रहा है, लाइंग ऑन द एक्स एक्सिस। बी मान लो कि ये पॉइंट है इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स ए एंड बी। क्या लिखा हमने कि एक तीसरा पॉइंट पी मान लेते हैं जिसके कोऑर्डिनेट्स ये हैं, जो कि एक्स एक्सिस पे लाए कर रहा है, और मान लेते हैं कि ये पॉइंट जो है पी, जो पॉइंट है वो ए और बी से इक्विडिस्टेंट है, बराबर की दूरी पे, ऐसा हम मान लेते हैं। क्लियर, ये डिस्टेंट होता है ना, डिस्टेंस मत लिख देना। डिस्टेंस का मतलब होता है दूरी, डिस्टेंट का मतलब होता है दूर होना, ठीक है। डिस्टेंट का मतलब दूर होना और डिस्टेंस का मतलब दूरी, तो ये दूर है, ठीक है ना, ये दूरी नहीं है, ये दूर है, तो इक्विडिस्टेंट। ओके चलिए, तो अब हमारा काम यह है कि हम पहले, सबसे पहले डिस्टेंस पी ए निकाल लेते हैं, देन डिस्टेंस पी बी निकाल लेते हैं और दोनों को इक्वेट कर देते हैं, ठीक है। नाउ बाई यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला we have, first of all let's find out distance pa, distance pa निकाल लें पहले, तो एक बार formula लिख देते हैं फिर दोबारा नहीं लिखेंगे। बोलो formula है x2 minus plus y2 minus
कासम का रूट. ओके, सो एक्स टू माइनस एक्स वन. तो देखो पी ए कर रहे हो ना, पी ए, तो ए माइनस पी की तरह इसको प्लॉट करोगे. और अगर आपने इसको ए पी लिखा है तो फिर पी माइनस ए की तरह करोगे. जो भी यहाँ पे लिखा है उसी तरीके से यहाँ पे करना, मतलब पी के कोऑर्डिनेट्स में से ए के कोऑर्डिनेट. और अभी ए के कोऑर्डिनेट्स में से हालांकि आंसर सेम आएगा, बट जो आप यहाँ पे लिखते हो, जैसी चीज आप यहाँ पे लिखते हो उसी हिसाब से अंदर कोऑर्डिनेट्स आपको प्लॉट करने हैं. ठीक है, एज पर द रूल्स चलना है अपने को. ठीक है, तो ए के कोऑर्डिनेट्स में से पी के कोऑर्डिनेट्स घटाने हैं. तो ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 और पी के कोऑर्डिनेट्स हैं x. तो 2 माइनस एक्स और माइनस 5 माइनस 0. ठीक है, 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा, 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर. सॉल्व कर दो इसको जितना हो पा रहा है. तो ये a माइनस बी के होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी से सॉल्व हो जाएगा. बोलो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर 4 माइनस 2ab, 2ab मतलब 2 2 जा 4 4x प्लस b स्क्वायर मतलब x प्लस x स्क्वायर. बोलो हाँ, यहाँ पे माइनस 5 है. ओके, सही कर देते हैं, माइनस 5 कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी. ठीक है, 2 माइनस x का होल स्क्वायर कैसे सॉल्व हुआ समझ में आया, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर वाली आइडेंटिटी से इसको खोल के रख दिया अपन. और प्लस प्लस माइनस 5 माइनस 0 क्या बनेगा, क्या हुआ गायत्री, माइनस 5 माइनस 0 क्या होता है गायत्री, बोलो माइनस 5 माइनस 0 क्या होता है सॉल्व होने के बाद, प्लस 5 माइनस 5 माइनस 0 प्लस 5 होता है, प्लस 5 या माइनस 5, तो फिर पहले प्लस 5 क्यों बोला, हाँ बेटा टेंथ के लिए अपीयर कर रहे हो, टेंथ के लिए अपीयर कर रहे हो पक्का, इस साल श्योर हो क्या, मुझे नहीं लगता कि आप श्योर हो कि टेंथ के लिए अपीयर करना है कि नहीं करना है. माइनस 5 माइनस 0 माइनस 5 होता है, और माइनस 5 का स्क्वायर क्या होता है, 35. ये छोटी मोटी चीजें जिसको नहीं करनी आती, जैसे प्लस माइनस क्या होता है, ये इसको सॉल्व करने में क्या नहीं आ रहा है, तो अब नहीं आती तो एक्सेप्ट करो ना कि सर नहीं आती, नहीं सीखी बचपन में या टीचर ने नहीं सिखाई या मैंने ध्यान नहीं दिया, जो भी बात थी, लेकिन उसको छोड़ देने से थोड़ा काम चलेगा. अब तो सीखो, क्लास में शर्म आती है पूछने, तो एक्स्ट्रा टाइम लो मुझसे कि सर मुझे सिखा दो. ये किसी भी चीज के लिए मना किया है क्या मैंने कभी, भाई आपको नहीं आ रहा माइनस फाइव माइनस जीरो माइनस फाइव कैसे हुआ, तो आप एक्स्ट्रा टाइम लेके आओ सीखो. अभी नहीं सीखोगे तो फिर और कौन सी उम्र आएगी अब सीखने की, तो सिक्स सेवन्थ क्लास की चीजें. अगर क्लास में शर्म आती है कोई बात नहीं, आप एक्स्ट्रा टाइम लेके कॉल करके आ जाओ, संडे को आ जाओ, सैटरडे को आ जाओ, क्लास के बाद रुक जाओ कि सर मुझे बताओ ये कैसे आया. ठीक है, अब मैं एक एक की नोटबुक में क्लास टेंथ के बच्चों की मैं एक एक की नोटबुक में तो जाके देखने से रहा कि माइनस फाइव माइनस जीरो उन्होंने क्या किया है. और ऐसे करना चाहते हो तो कर लेते हैं, दो तीन साल में कोर्स होगा फिर आपका, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है ना, रिवीजन का टाइम बचेगा. करो सॉल्व, 4 प्लस 25 क्या हो जाएगा, 29. फिर आगे माइनस 4x एज इट इज प्लस x स्क्वायर एज इट इज, तो 29 माइनस 4x प्लस x स्क्वायर, दैट्स इट. इसके आगे तो सॉल्व कर नहीं सकते ना, ये कांस्टेंट टर्म है, ये लीनियर टर्म है, वो क्वाड्रेटिक टर्म है, तो तीनों अलग अलग नेचर की टर्म्स हैं, जुड़ नहीं सकती हैं. जो जुड़ सकती थी हमने जोड़ दी, 4 और 25 जुड़ के 29 हो सकते थे, हमने जोड़ दिए. सो ये डिस्टेंस है तो आगे लगा देता हूँ यूनिट्स. सिमिलरली डिस्टेंस पीबी या बीपी भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिस्टेंस पीबी. अब फॉर्मूला मत लिखो, बी में से पी के कोऑर्डिनेट्स माइनस करो. तो देखो पी के कोऑर्डिनेट्स तो सेम ही होंगे ना जो ऊपर थे, माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस इधर क्या था, माइनस जीरो का होल स्क्वायर. भाई पी के तो सेम ही थे ना, बी के चेक कर लो क्या है, बी के है माइनस 2.9. तो यहां माइनस 2 लिख दूं और यहां 9 लिख दूं, बताओ समझ आया. ओके चलिए, अब माइनस 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर कैसे सोल्व करके बताओगे, सब लोग अपना अपना सोल्व करो फिर मुझे बताना क्या आंसर है. अपना अपना रफली सोल्व करके बताओ, केवल इस चीज का आंसर बताओ, माइनस 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर कैसे सोल्व किया.
क्या क्या फिर से बोलो, फोर इधर से सोम्या बोलो, केवल फोर एक्स स्क्वायर। दो टर्म्स का होल स्क्वायर का आंसर सिंगल टर्म में आ सकता है कभी सोम्या? हाँ, फोर फोर माइनस एक्स स्क्वायर, दैट्स इट। बेटा दो टर्म्स हैं, उसका होल स्क्वायर है तो तीन टर्म्स में नहीं खुलेगा क्या? व्हाट इज ए प्लस बी का होल स्क्वायर? नेगेटिव हो तो क्या तीसरी टर्म गायब हो जाएगी नेगेटिव हो जाने से? अगर ये टर्म नेगेटिव है तो उसका नेगेटिव का भी कुछ स्क्वायर बनेगा ना, जीरो थोड़ी ना बनेगा उसका स्क्वायर की, गायब ही कर दो आप। चलिए देखिए दो तरीके इसको सॉल्व करने के, इस वाले एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं जो आपको सही लगे आप यूज कर सकते हो। देखो पहला तरीका है हमारे सामने ये है, हमारे सामने ये है, ध्यान से देखना जिसको नहीं आता, बिल्कुल बच्चों की तरह समझा रहा हूं जैसे छठी सातवीं में समझाते हैं। लेट अस से इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर से कंपेयर करते हैं, तो मुझे बताओ a की वैल्यू क्या आई एंड b की वैल्यू माइनस x नहीं आई, x आई। ये माइनस तो माइनस से कंपेयर हो गया ना, माइनस तो माइनस से कंपेयर हो गया ना, b की वैल्यू प्लस x ही तो आई और a की वैल्यू क्या आई, इधर लिख देता हूं, a की वैल्यू तो आई माइनस टू और b की वैल्यू क्या आई ओनली सिंपली x। अच्छा मुझे बताओ a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो a का स्क्वायर करना है, हमारा a कैसा है माइनस टू के जैसा है, तो माइनस टू का स्क्वायर फिर लगाओ माइनस फिर लगाओ टू फिर लगाओ इनटू a की वैल्यू माइनस टू इनटू b की वैल्यू x प्लस b का स्क्वायर b की वैल्यू x का स्क्वायर। इसको सॉल्व करो तो माइनस टू का स्क्वायर फोर, माइनस टू इंटू माइनस टू प्लस फोर और आगे x है एक्स स्क्वायर। तो एक तरीका तो ये है, इसमें आपको a माइनस बी के होल स्क्वायर से इसको कंपेयर करना है, कंपेयर करके पता लगाना है कि a की वैल्यू क्या है b की वैल्यू क्या है और यहाँ पुट अप कर देनी है। इससे आसान तरीका दूसरा सुनो और स्मार्ट तरीका, इससे बेहतर और स्मार्ट तरीका। देखो हमारे सामने क्या है, माइनस टू माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, राइट। मुझे बताओ माइनस टू माइनस एक्स में से अगर मैंने माइनस वन कॉमन निकाल दिया तो अंदर क्या बचा, बचा भाई माइनस टू में से माइनस वन कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा टू, और माइनस एक्स में से भी माइनस वन कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा एक्स। अच्छा होल स्क्वायर तो पूरे के ऊपर था ना, तो अभी इस पूरे के ऊपर होगा, यस और नो? होगा भैया, माइनस वन तो बाहर लिया है तो होल स्क्वायर तो इस माइनस वन पे भी है ना, समझ में आई बात? ठीक है, अब मुझे बताओ a इंटू बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, होता है कि नहीं होता है? जब बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो तो ये स्क्वायर दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो अभी माइनस वन और इसके बीच में मल्टीप्लाई का ही तो साइन है, तो माइनस वन का भी स्क्वायर करना है और मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस एक्स का भी स्क्वायर करना है। माइनस वन का स्क्वायर क्या होता है और 2 प्लस एक्स का आप सिंपली a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोल दो तो क्या हो जाएगा 4 प्लस 4x प्लस x स्क्वायर, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये का ये आंसर आ जाएगा 4 प्लस 4x प्लस x स्क्वायर। इसका मतलब क्या साबित हुआ कि माइनस टू माइनस एक्स का होल स्क्वायर और 2 प्लस x का होल स्क्वायर सेम होता है, ये 2 प्लस x का होल स्क्वायर ही तो है, यही आया ना, और इधर माइनस टू माइनस एक्स का होल स्क्वायर भी यही आया, ठीक है। यानी दोनों नंबर नेगेटिव हो और दोनों नंबर पॉजिटिव हो तो जो होल स्क्वायर इसका होगा वो का वही होल स्क्वायर इसका होगा। तो नेक्स्ट टाइम कभी भी दो नेगेटिव नंबर मिल जाए, लेट अस से ऐसे मिल जाए माइनस थ्री माइनस वाई का होल स्क्वायर मिल जाए, तो सिंपली आप थ्री प्लस वाई का होल स्क्वायर लिख दो, सिंपली क्या लिख दो, दोनों को पॉजिटिव करके थ्री प्लस वाई का होल स्क्वायर लिख। ये सोचना मुश्किल है, ये सोचना आसान है ना, बोलो क्या होगा, नाइन प्लस थ्री टू जा 6y प्लस वाई स्क्वायर, यही इसका भी स्क्वायर होगा, ठीक है। दोनों नेगेटिव होने चाहिए लेकिन, तो आप दोनों को पॉजिटिव करके उसका होल स्क्वायर कर दो, वो का वही आंसर इसका होगा। अरे 2.5 के अंदर पॉलीनोमियल चैप्टर के अंदर क्लास 9th में बहुत ऐसे क्वेश्चन हैं जो हमने किए हैं, चार चार पांच पांच बार किए हैं, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। चलिए आइए अब अपने ओरिजिनल क्वेश्चन पे। तो माइनस टू माइनस एक्स का होल स्क्वायर सोल्व किया आपने, क्या आया, ये टू प्लस एक्स के होल स्क्वायर की तरह है, तो टू प्लस फोर एक्स, हाँ सॉरी सॉरी टू प्लस नहीं फोर प्लस फोर एक्स प्लस, ठीक है। और ये तो काफी आसान है, नाइन माइनस जीरो नाइन होता है, नाइन का स्क्वायर और इस पूरे का होल रूट, ठीक है। अब इसमें फोर एंड 81 जोड़ सकते हो आप, 85 प्लस फोर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर का होल रूट। अब इससे आगे नहीं सॉल्व कर सकते, कॉन्स्टेंट टर्म लीनियर टर्म क्वाड्रेटिक टर्म अलग अलग नेचर की टर्म्स हो गई। बोलो माही नाम है ना आपका,
समझ में आया? देखो ये जो ब्रैकेट है इसमें से 4 ले लो, इसमें से 81 ले लो, ये जुड़ के तो क्या हो गए 85, 4x अलग x square अलग, ठीक है, क्लियर है? आपको ये डाउट हो रहा है ब्रैकेट क्यों लगा, ऐसे ही लगा दिया भाई दिख जाए भाई ये इसका होल स्क्वायर, चाहो तो यहाँ पे ब्रैकेट ना भी लगाओ तो चलेगा, ठीक है ना? ओके ठीक है चलो, तो डिस्टेंस पी ए इक्वल टू डिस्टेंस पी बी करना है अपने को, राइट? डिस्टेंस पी ए इक्वल टू, इसके आगे यूनिट्स भी लगा दो। नाउ सिंस डिस्टेंस पी ए इक्वल टू डिस्टेंस पी बी, डिस्टेंस पी ए इक्वल टू डिस्टेंस पी बी, वी हैव तो डिस्टेंस पी ए की वैल्यू बताओ क्या आई थी, होल रूट ऑफ 29 प्लस माइनस 4x प्लस x स्क्वायर, ओके फाइन। और इधर आओ, इसकी वैल्यू क्या आई थी, होल रूट ऑफ 85 प्लस 4x प्लस x स्क्वायर, ठीक है? यहां तक तो कोई डाउट, इक्वेट कर दिया हमने। अब देखिए जो LHS में है उसके ऊपर पूरे के ऊपर रूट है, और जो RHS में है उसमें भी पूरे के ऊपर रूट है, तो पूरा रूट एक तरीके से कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके लिए अपन एक स्टेप लिखेंगे बीच में, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। क्या स्टेप लिखेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, बोथ साइड्स मतलब LHS एंड RHS। वी गेट, तो जैसे स्क्वायर करेंगे तो एक बार मैं ऐसे करके दिखाता हूं, देखो इसके आगे स्क्वायर किया और इसके आगे भी स्क्वायर किया, तो स्क्वायर से रूट कट गया एंड स्क्वायर से रूट कट गया। तो आपको ऐसा करके नहीं दिखाना है, आपको समझाने के लिए, तो आप सिंपली क्या कर दोगे, इसका रूट हटा दोगे और लिख दोगे 29 माइनस 4x प्लस x स्क्वायर, एंड हियर वी विल गेट 85 प्लस 4x प्लस x स्क्वायर, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? बोलो, देखो अब x स्क्वायर से x स्क्वायर वैसे तो कट सकता है, बट ये थोड़ा सा एडवांस तरीका है। बेसिक तरीका क्या है कि आप एक्स स्क्वायर को इधर ले आओ तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जीरो हो जाएगा, या चाहो तो ऐसे भी काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे काटोगे तो ऐसे निशान मत लगाना, निशान केवल अपन जब भी मैथ्स में काटते हैं तो न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में निशान लगाना अलाउड है, ऐसे LHS से RHS में निशान लगा के काटना अलाउड नहीं है। आप बस नेक्स्ट स्टेप में ये दोनों लिखो ही मत, तो समझ जाएगा कि काट दिया इसने बच्चे ने, ठीक है? ओके, तो नेक्स्ट स्टेप में एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया मान लो, लेकिन दोनों पॉजिटिव होने चाहिए। देखो यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, कल को नेगेटिव हो जाए तो मत काट देना, जैसे कल कोई बच्चा इसको भी काट दे, बेटा ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, ओके? चलिए, तो 29 माइनस 4x बचा x स्क्वायर कटने के बाद, और उधर क्या बचा 85 प्लस 4x। अब xx वाली टर्म्स एक साथ ले जाओ और कॉन्स्टेंट टर्म्स एक साथ ले जाओ, इसके आगे का तो सबको आता ही होगा। देखो यहाँ पे मेरे पास एक्स वाली टर्म क्या है, माइनस 4x, और वहां से प्लस 4x को इधर बुलाया तो ये भी क्या हो गई, माइनस 4x। उधर मेरे पास कांस्टेंट टर्म है 85, और इधर से 29 को उधर बुलाया तो पॉजिटिव 29, उधर जाके क्या हो गई, नेगेटिव 29 या माइनस 29। व्हाट इज माइनस 4x माइनस 4x, माइनस 8x, नॉट 8x, क्लियर है ना? आपको भी डाउट है क्या, कैसे होता है? ये क्लास लेनी पड़ेगी एक, नहीं तो फिर, या फिर 6th-7th क्लास में आपको शिफ्ट करना पड़ेगा कुछ बच्चों को कुछ दिन के लिए। 85 माइनस 29 बोलो 56, तो माइनस 8x की वैल्यू क्या आ गई 56, तो x की वैल्यू क्या होगी 56 डिवाइडेड बाय माइनस 8, ठीक है? तो माइनस प्लस का नंबर माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड होगा तो माइनस में लाएगा, और 8 7 क्या होता है 56, तो x की वैल्यू की तो तलाश थी। आपका क्वेश्चन क्या था कि x एक्सिस पे पॉइंट ढूंढो, हमारी नजर में पॉइंट की परिभाषा उसके कोऑर्डिनेट्स है, अगर कोऑर्डिनेट्स पता है तो पॉइंट पता है, क्योंकि हमने पॉइंट को किस नजर से देखा है, कोऑर्डिनेट प्लेन पर ही देखा है, तो कोऑर्डिनेट प्लेन पर अगर हमको उसके कोऑर्डिनेट्स पता है तो दैट मींस हमको पता भी पॉइंट कहाँ है। तो हमको ये तो पता था कि उसका वाई कोऑर्डिनेट जीरो, हमको उसका एक्स कोऑर्डिनेट नहीं पता था, तो हमने उसका एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स ही रख दिया था, तो एक्स की वैल्यू आ गई ना -7, दैट मींस अब हमको उसका एक्स कोऑर्डिनेट भी पता चल गया। सो द रिक्वायर्ड पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस इज, so the required point on the x axis is p, और उसके कोऑर्डिनेट्स हमने x कॉमा जीरो माने थे, x कॉमा जीरो माने थे, इक्वल टू हो जाएगा p, x की वैल्यू क्या आ गई, आंसर -7 कॉमा जीरो, y कोऑर्डिनेट तो जीरो का जीरो ही रहेगा।
दैट मीन्स अब चलते हैं हमारे उस ग्राफ के पास, हम कंफ्यूज हो रहे थे ना कहां लगाएं, तो देखो एक्चुअली कहां लगना है वो पॉइंट -7 पे। अब आप यहां से यहां तक डिस्टेंस ले लो एक -7.0 पे, और यहां से यहां ले लो, चाहो तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस निकालो, चाहो तो आप स्केल से नाप के देख लेना, जितने सेंटीमीटर ये निकलेगा उतने सेंटीमीटर वो निकलने वाला है, नाप के देख रहा है। हाँ नहीं नाप ले, आराम से नाप ले, आप स्केल से नाप के देख लेना, जितने सेंटीमीटर की ये दूरी होगी उतने सेंटीमीटर की वो दूरी। अच्छा कई बार एक नहीं दो पॉइंट्स निकलते हैं, जैसे एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट तो यहाँ निकल गया, और एक पॉइंट कहीं यहाँ पॉजिटिव साइड भी निकल जाता है, मान लो यहाँ निकल गया, ये वाला पॉइंट भी इन दोनों से बराबर की दूरी पे हो सकता है, ऐसा कुछ कई बार निकल जाता है। तो अगर दो निकले तो दोनों बताने, और एक अब इस वाले केस में क्या हुआ था, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया था, तो इसीलिए एक ही पॉइंट निकला क्योंकि लीनियर इक्वेशन बनी। इन केस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर नहीं कटता और रह जाता तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स की दो वैल्यूज निकलती, एक्स की दो वैल्यूज निकलती, दैट मीन्स दो पॉइंट्स होते फिर एक्स एक्सिस पे, तो ऐसा भी हो सकता है। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है किसी को, क्रिस्टल क्लियर है, क्वेश्चन समझ आया। इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है, इस टाइप के एक्स एक्सिस पे पॉइंट निकालो, कल को वाई एक्सिस पे भी कह सकता है। अच्छा वाई एक्सिस पे कहते, फिर मान लो यही क्वेश्चन वाई एक्सिस के लिए होता, तो लेटर से वाई एक्सिस पे मैंने यहाँ पे पॉइंट मान लिया, तो करीब करीब ये देखो बराबर बराबर दूरी पे दिख ही रहा है अंदाजन, हाँ जो भी है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या मान लूंगा मैं, और फिर वाई की वैल्यू निकालना शुरू कर देंगे जैसे एक्स की निकाली अभी। ठीक है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हो गया ये वाला अपना, कोई किसी को कुछ कहीं से नोट डाउन करना है तो बताओ, नहीं तो अगले क्वेश्चन। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे है ना, क्वेश्चन नंबर 8th वन देखो, फाइंड द वैल्यूज ऑफ y, y की वो वैल्यूज निकालो जिसके लिए डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P एंड Q इज 10 यूनिट्स। अच्छा जी, मतलब इस P और Q के बीच की दूरी 10 यूनिट गिवन है, इस P और Q के बीच की 10 यूनिट जो दूरी है वो क्या है, गिवन है, आपको y की वैल्यू निकालनी है, तो y इस P और Q में से कहीं ना कहीं होगा। देखो ये रहा, इसने P के तो दोनों कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, Q का इसने x कोऑर्डिनेट दे रखा है और y कोऑर्डिनेट मिसिंग है, तो एक्चुअली ये क्वेश्चन ऐसा बन गया कि फाइंड द मिसिंग y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट Q, Q पॉइंट का मिसिंग y कोऑर्डिनेट निकालो, इस एक तरीके से इनडायरेक्ट क्वेश्चन ये बन गया ना। तो हमको तो कुछ नहीं करना, बिल्कुल सेम 7th की तरह ही, 7th में दो दूरियां थी, इसमें एक ही दूरी है, बस ये दूरी को आपको 10 यूनिट्स के इक्वेट करना है, तो इसको होमवर्क मार्क करो और सॉल्यूशन अभी रफली बताओ मुझे। डिस्टेंस PQ बोलो कैसे निकालेंगे हम, बोलो PQ तो Q माइनस P, तो 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस Y माइनस माइनस 3, Y प्लस 3 हो जाएगा, Y माइनस माइनस 3 क्या हो जाएगा, Y प्लस 3 हो जाएगा का होल स्क्वायर, और ये डिस्टेंस कितनी गिवन है बेटा, 10 यूनिट्स गिवन है। आगे सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, तो होल रूट ऑफ 10 माइनस 2 8, 8 का स्क्वायर 64, और इसको a प्लस b के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से एक्सपेंड करो, y स्क्वायर 2 3 जा 6y, 3 स्क्वायर 9 इक्वल टू व्हाट, ठीक है और थोड़ा सा सॉल्व करो, 64 एंड 9 जोड़ सकते हैं ना, 64 एंड 9 73 प्लस y स्क्वायर प्लस का होल रूट इक्वल टू 10। अब ये रूट के अंदर सॉल्वेबल नहीं है, जितना हो सकता था कर दिया, अब क्या करेंगे, ये रूट हटना जरूरी है क्योंकि किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक बार हमको जहां तक हम सॉल्व कर पाते हैं ठीक है, फिर एक स्टेज ऐसी आती है जहां से रूट हटाना जरूरी हो जाता है। तो देखो जैसे ही मैं यहां से रूट हटाऊंगा तो ये उधर जाके क्या बन जाएगा, स्क्वायर, स्क्वायर क्या बन जाएगा भाई, यहां से स्क्वायर रूट हटेगा तो वहां स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है तो ये क्या हो जाएगा, जैसे यहां से रूट हटाया तो 73 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y, हट गया रूट, वहां जाके ये रूट क्या बन जाता है, इसका स्क्वायर हो जाता है, 10 का स्क्वायर क्या होगा। आप ऐसे भी सोच सकते हो कि टेकिंग स्क्वायर्स ऑन बोथ साइड्स, तो जैसे ही टेकिंग स्क्वायर्स ऑन बोथ साइड्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका तो स्क्वायर रूट कट जाएगा, ये बच जाएगा और उसका 10 स्क्वायर बच जाएगा, यानी 100 हो जाएगा, ठीक है। अब 100 को भी यहां बुला लो, तो देखो यहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 तो यही था, माइनस 100 और आ गया इसके पास इक्वल टू 0, फाइनली मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी वाई स्क्वायर प्लस 6y
माइनस का 27 आया। चलिए स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व करिए। दो नंबर बताइए जिनका प्रोडक्ट माइनस 27 होता है और जोड़ 6 होता है, 9 और माइनस 3। 9 माइनस 3 6 होता है और 9 इंटू माइनस 3 माइनस 27 होता है। आता है सबको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म? सेकंड चैप्टर में सीखा था वाई स्क्वायर, 9 एंड माइनस 3 में स्प्लिट किया तो 9y एंड माइनस 3y माइनस 27 इक्वल टू 0। अब थोड़ा सा साफ कर देते हैं, सफाया आ जाओ। तो वाई स्क्वायर एंड 9y में से क्या कॉमन है? वाई क्या बचा? माइनस 3y माइनस 27 में से माइनस 3 कॉमन, वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। वाई प्लस 9 अगेन कॉमन, ठीक है। क्या बचता है y प्लस 9 कॉमन लेने के बाद? y माइनस 3 इक्वल टू व्हाट? 0। दो नंबरों का प्रोडक्ट 0 है, दैट मींस या तो ये 0 है या ये 0 है। तो एक बार ले लेंगे y प्लस 9 को 0 और एक बार ले लेंगे y माइनस 3 को 0। अगर y प्लस 9 को 0 लिया तो वहां से y की वैल्यू क्या आई? नेगेटिव 9। और अगर y माइनस 3 को 0 लिया तो y की वैल्यू क्या आई? पॉजिटिव। तो यहाँ पे y की दो पॉसिबल वैल्यूज हैं, y इक्वल टू माइनस 9 और 3। आंसर मैच कर लो फटाफट, और किसी को कुछ शॉर्ट में नोट करना हो तो कोट कर लो, घर से इसको फेयर वर्क में करके आना। हाँ क्यों? y तो कोऑर्डिनेट है ना, y कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो सकता है ना। आप ये सोचो इस क्वेश्चन में y की क्या औकात है? y यहाँ पे कोई ऐसी कोई चीज नहीं, नेचुरल नंबर नहीं है, या y यहाँ पे ऐसे नहीं है, कोई डिस्टेंस नहीं है, डिस्टेंस नहीं है। जैसे y कोई दूरी होती तो दूरी नेगेटिव नहीं हो सकती, या y मनी नहीं है, मनी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, y वेट नहीं है, हाइट नहीं है। जो वेट हाइट ऐसी चीजें होती हैं वो नेगेटिव नहीं हो सकते। एक बार ये रखेंगे, एक बार ये रखेंगे, बिल्कुल दोनों में टेन्यू, अभी वो भी बता देते हैं। चलो इसमें से कुछ नोट डाउन करना है किसी को, है ना? कैलकुलेशन है ये, तो रफली कुछ मेन मेन पॉइंट्स हो तो नोट डाउन कर लो, बाकी घर से करके लाना है। और आपके पास वीडियोस भी मिली जाती हैं, बट आपको अगर वीडियोस कैसे देखें, नेट ही नहीं चल रहा। कल तो चल जाएगा ना, शायद ही चले, ठीक है। तो किसी को देखना हो तो यहाँ आके देख लेना, ठीक है। चलो अब बात करते हैं, इसको जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। देखो डिलीट कर रहा हूं उसको मैं एक बार। y की वैल्यू क्या आई? या तो माइनस 9 या 3। दैट मीन्स q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स या तो 10, -9 है या फिर 10, 3 है, यस और नो? अब आप देखो कार्टेशियन प्लेन के अंदर p और q के बीच की दूरी क्या आएगी? 10 यूनिट। तो अगर P को फिक्स कर दें और Q को दो अलग अलग पॉइंट माने तो दोनों दूरियां क्या मिलेगी? 10 यूनिट मिलेगी। करके देखते हैं, ये रहा कार्टेशियन प्लेन। P के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 2, -3। तो पहले तो P को फिक्स कर देते हैं, वो क्योंकि वो तो फिक्स है ही, ये पुराने पॉइंट्स हटा दूं मैं। बोलो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है? कहां मिलेगा 2, -3? यहां पे, ये दिख गया। तो ये तो फिक्स हो गया P। अब पहले केस में 10, -9 थी, तो 10, -9 प्लॉट करो, कहां होगा 10, -9? ये भी फोर्थ में ही जाएगा, ये भी फोर्थ में ही जाएगा ना। देखो 10, -9 यहां पे नीचे आएगा, बिल्कुल पीक पे, ठीक है ना। चलिए, और Q एक जगह और हो सकता है, क्योंकि Q के दो वैल्यूज है ना, 10, -9 भी, और Y की दूसरी वैल्यू क्या आई थी? 3। तो 10, 3 भी हो सकता है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी Q आ सकता है। 10, 3 कहां आएगा? 10, 3 यहां आएगा, इस जगह पर। दिख गया। दैट मींस आप चाहे से इस P को फिक्स करके, यहां पे P को फिक्स करके Q को चाहे से आप यहां मान लो या यहां मान लो, दोनों दिशाओं में ये 10 यूनिट्स दूरी आपको देगा। ये दूरी और ये दूरी दोनों क्या होंगी? 10 यूनिट्स होंगी। आप घर पे इसको एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं, स्केल से ही नाप के देख लेना, क्योंकि हमारा जो हम मार्केट से जो ग्राफ शीट खरीदते हैं वो एक एक सेंटीमीटर के ब्लॉक्स में बनी हुई होती हैं। तो ऑब्वियसली ये 10 सेंटीमीटर आएगा और ये भी 10 सेंटीमीटर आएगा। आप घर पे इसको एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। क्लियर है क्या? ठीक है, यहाँ पे वाई की दो पॉसिबल वैल्यूज हैं। ये इसके कोऑर्डिनेट्स क्या ले लूंगा मैं? 10, -9, 10, 3। ये ग्राफ बनाना नहीं है आपको समझाने के लिए। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलो बढ़ो फटाफट। कितने रह गए हम? दो रह गए, फटाफट से देखो। इसमें एक करवाऊंगा, एक होमवर्क दूंगा। इफ क्यू एक पॉइंट है बस। अब ये जो नेक्स्ट जो क्वेश्चंस बचे हैं ना, लग तो डिस्टेंस फॉर्मूला ही रहा है,
ले दे के घूम फिर के बात वही आएगी, बस ये लैंग्वेज समझ जाओ जो वो कह रहा है। क्वेश्चन को बिल्कुल डेप्थ में पढ़ो, ध्यान से एक एक वर्ड को। इफ अगर एक पॉइंट है क्यू 0.1, वो बराबर की दूरी पे हो, तो वो बराबर की दूरी पे होगा तो किस किस से बराबर की दूरी पे होगा, इससे और इससे, यानी डिस्टेंस QP और डिस्टेंस QR बराबर है। समझ आया? देखो पॉइंट Q P और R से बराबर की दूरी पर है तो QP डिस्टेंस और QR डिस्टेंस बराबर होगा। Q तो कॉमन है दोनों में, Q तो कॉमन है क्योंकि ये पॉइंट इक्वी डिस्टेंट है ना, तो ये तो कॉमन है, और जिस जिस से ये इक्वी डिस्टेंट है एक बार उसके साथ इसका कॉम्बिनेशन ले लो, एक बार उसके साथ उसका कॉम्बिनेशन ले लो, इन दोनों को कर दो बराबर एंड फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, और फिर x की वैल्यू निकल जाए तो फिर दो चीजें और पूछ ली उसने, QR एंड PR। ठीक है, अगेन मार्क इट एज होमवर्क और सॉल्व कर दो फटाफट। देखो बताओ फटाफट से, डिस्टेंस PQ निकाल लो पहले, डिस्टेंस QP निकाल लो, चलो QP एंड QR, तो QP यानी P माइनस Q करना है, P माइनस Q करो जरा, 5 माइनस 0 का एंड माइनस 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करके बताओ, 5 माइनस 0 इज 5 का होल स्क्वायर, दैट मींस 25। अब देखो दोनों नेगेटिव आ गए ना, तो इसको 3+1 मान लो, 3+1 4, 4 का स्क्वायर 16, और नहीं भी मानते -3 -1 भी मानते तो -4 होता, और -4 का स्क्वायर भी 16 ही होता। देखो वो चीज काम कर रही है ना, भाई माइनस माइनस को दोनों को प्लस, अगर होल स्क्वायर लगा हुआ है तो, हमेशा नहीं मान सकते, अगर होल स्क्वायर लगा हुआ है तो। ठीक है, तो 25+16 इज वॉट, √41, ये आ गया आपका डिस्टेंस क्यूपी, ये क्यूपी आ गया। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज क्यूआर, और वो आपके एक्स की फॉर्म में आएगा क्योंकि उसमें उसका x कोऑर्डिनेट मिसिंग है। करो x माइनस 0 राइट का होल स्क्वायर, 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 0 इज x और x का होल स्क्वायर x स्क्वायर, 6 माइनस 1 इज 5 का होल स्क्वायर, दैट्स इट, इसके आगे तो सॉल्व होगा नहीं। अब ये दोनों दूरियां बराबर हैं, डिस्टेंस QP और डिस्टेंस QR बराबर है ना, क्योंकि इक्वी डिस्टेंट है, बोलो, तो डिस्टेंस QP इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस QR, तो डिस्टेंस QP फाइनल क्या आया, √41 जो फाइनल आया वो लिख दो, और डिस्टेंस QR फाइनली क्या आया, √x2। इसके आगे सॉल्व नहीं होगा जब तक स्क्वायरिंग बोथ साइड्स नहीं करेंगे, तो जैसे ही स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट से स्क्वायर दोनों साइड करके, यहां तो बचेगा 41, वहां क्या बचेगा, x2+25, 41 को भी वहां भेज दो, तो 41 उधर जाके क्या हो जाएगा, -41, और इधर क्या हो जाएगा, ये जब सब कुछ चला गया तो यहाँ क्या बचेगा, 0 बचेगा, भाई 41 यहाँ था वहां चला गया तो कुछ नहीं बचा ना, 0 बचा। चलो तो x2+25 -25 -41 कितना होता है, -16, तो दैट मीन्स x2-16 की वैल्यू 0 हो गई। इसको सीधे करके लिख दूं, x2-16 की वैल्यू क्या हो गई, 0, तो x2 की वैल्यू क्या हो गई, 16, तो x की वैल्यू क्या हो गई, √16, दैट इज +4-4। x यहाँ पे कोऑर्डिनेट है और कोऑर्डिनेट नेगेटिव भी हो सकता है, ग्राफ के दोनों साइड होती है, तो +4 किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट एक नहीं होते हैं, दो होते हैं, बट किसी किसी जगह पे हम नेगेटिव साइड को अवॉइड कर देते हैं वो सर्कमस्टेंस के हिसाब से। जैसे मान लो यहाँ पे x यहाँ पे सपोज करो अमाउंट होता, पैसे होते, तो पैसा नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए अपन x वैल्यू 4 ले ली। या मान लो x यहाँ पे हाइट होती तो हाइट भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो अपन पॉजिटिव 4, लेकिन x यहाँ पे ना तो हाइट है ना अमाउंट, ऐसी कोई चीज नहीं है, x तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट है, तो उस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है वो नेगेटिव क्यों नहीं हो सकता, हो सकता है ना, तो फिर हम -4 को इग्नोर नहीं कर सकते, +4 दो वैल्यूज हैं। तो पहला क्वेश्चन तो यहाँ पे सॉल्व हुआ, उसने क्या कहा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू क्या आ गई, +4। अगला क्वेश्चन सुनना जरा, फाइंड द डिस्टेंस QR एंड PR। तो देखो QR तो आपने निकाली है ना, ये QR ही तो है, कल तक QR x की फॉर्म में थी ना, अब x की वैल्यू है ना आपके पास, रख दो तो एक्चुअल QR डिस्टेंस पता चल जाएगी। तो इसमें x की वैल्यू चाहे +4 रखूं चाहे -4 रखूं, बनेगा 16 ही, और 16+25 क्या होगा, √41 यूनिट्स। ये सेकंड का आंसर हो गया, √41 यूनिट्स सेकेंड थिंग का आंसर हो गया। और लास्ट उसने क्या चीज पूछी है, डिस्टेंस PR। अब डिस्टेंस PR तो निकालनी पड़ेगी, वो हमने एक बार भी QP QR तो निकाली थी, PR एक बार भी नहीं निकाली ना, PR तो निकाल लो फिर, डिस्टेंस PR यानी कि R-P, और अब तो कोई सारे कोऑर्डिनेट्स क्लियर है ना, R के कोऑर्डिनेट्स बोलो, R कहाँ है, R ये रहा x,6, तो x की वैल्यू एक बार, अब देखो डिस्टेंस PR भी दो निकलेंगी क्योंकि R के कोऑर्डिनेट्स हैं क्या, x,6, तो x की एक बार वैल्यू +4 लेनी पड़ेगी,
और एक बार वैल्यू माइनस, तो एक बार पहले प्लस फोर ले लें, ठीक है, तो आर में से पी के कोऑर्डिनेट्स माइनस करेंगे, यानी आर की एक्स की वैल्यू मैं फोर ले लेता हूँ, प्लस फोर ले लेता हूँ, माइनस पी का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, पी का एक्स कोऑर्डिनेट है फाइव, तो फोर माइनस फाइव का होल स्क्वायर, वाई कोऑर्डिनेट क्या है सिक्स, और पी का वाई कोऑर्डिनेट क्या है माइनस थ्री, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सिक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर, तो एक बार तो इसको सॉल्व कर लो, फिर पी आर एक और बार निकलेगा ना, फोर माइनस फाइव यानी माइनस वन का स्क्वायर वन, सिक्स प्लस थ्री इज नाइन, नाइन का स्क्वायर 81 प्लस 1, और रूट 82 आगे सॉल्व होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि करेंगे तो 2 इंटू 41 बनेगा, और 2 इंटू 41 पेयर तो कंप्लीट हुआ नहीं, तो एक आंसर तो ये है, लेकिन डिस्टेंस पीआर अब सेम टू सेम फिर से निकल जाएगा, 4 की जगह माइनस 4 रख दो बस, है ना, क्योंकि x की दो वैल्यूज आई थी ना, एक बार प्लस 4 एक बार, बाकी सब सेम, बस 4 की जगह क्या रख देंगे माइनस 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस, बाकी सब सेम 6 प्लस 3 का होल स्क्वायर। चलिए बताइए माइनस फोर माइनस फाइव का होल स्क्वायर क्या बनेगा, माइनस नाइन का स्क्वायर, या फोर प्लस फाइव नाइन कर दो, या माइनस फोर माइनस फाइव माइनस नाइन कर दो, स्क्वायर तो सेम ही बनेगा 81, और सिक्स प्लस थ्री क्या था नाइन, अगेन 81। अब हमने सीखा था अगर सेम सेम नंबर आ जाए तो अंदर तो रूट टू बचता है, और 81 का स्क्वायर रूट क्या होता है नाइन रूट टू आंसर आ जाएगा। कौन कौन बच्चा है जो इस ट्रिक को एक्चुअली यूज कर रहा है, या बस सुन के कान से निकाल ली, जब सेम सेम नंबर आ जाए तो रूट टू तो अंदर फिक्स है, और इस 81 का स्क्वायर रूट बाहर लिख दिया करो, शॉर्ट ट्रिक है, 10 सेकंड भी अगर आपके एग्जाम में बचाएगी तो आपके ही बचेंगे, ठीक है ना, कोई चेक करने नहीं आएगा कि कैसे लिखा, लिख दिया बस, सही होना चाहिए, ठीक है। तो फाइनल आंसर्स मैं बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन में तीन क्वेश्चन थे, पहला था फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो वो वैल्यू ऑफ एक्स क्या निकली प्लस फोर एंड माइनस फोर, दूसरा क्वेश्चन था फाइंड द डिस्टेंस क्यू आर, वो क्या निकली रूट 41, तीसरा क्वेश्चन था फाइंड द डिस्टेंस पीआर, तो पीआर दो बन सकती है, या तो रूट 82 या फिर नाइन रूट टू, पीआर की दो वैल्यूज आ सकती है, क्योंकि पी के एक्स कोऑर्डिनेट की दो वैल्यू है, तो एक्स कोऑर्डिनेट की दो वैल्यू है, दैट मींस एक बार पॉइंट पी उधर चला जाएगा प्लस फोर लेते ही, एक बार पॉइंट बी नेगेटिव साइड आ जाएगा माइनस फोर लेते ही, तो डिस्टेंस भी चेंज हो जाएगी ना, तो पॉजिटिव फोर ले लो तो ये डिस्टेंस आएगी, नेगेटिव फोर ले लो तो ये डिस्टेंस आएगी। बताइए क्वेश्चन समझ में आया सबको अच्छे से, पीछे से तीनों चारों आंसर मैच कर लो फटाफट, सही है, पीआर डिस्टेंस की दो वैल्यूज दे रखी है या एक ही दे रखी है चेक कर लो बस, जो फाइनल में थोड़ा सा कंफ्यूजन है कहीं एक तो नहीं दे रखी, दोनों दे रखी है ना, एक्स की भी दो वैल्यूज हैं और क्यूआर फिक्स हो गया रूट 41, उसकी एक ही वैल्यू आई, ठीक है, ओके। लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज, कल से सेक्शन फॉर्मूला बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हैं हम। अब देखो एक रिलेशन बताओ x और y के बीच में, जब भी क्लास 10th लेवल तक आपसे दो वेरिएबल के बीच का रिलेशन पूछे, जैसे x और y का रिलेशन बताओ, या a और b का रिलेशन बताओ, या कुछ भी p एंड q का रिलेशन बताओ, क्लास 10th तक अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इसका मतलब है आपको x और y के बीच में एक इक्वेशन बनानी है। क्या बनानी है, जैसे सपोज करो मैं एक इक्वेशन लिखता हूं x इक्वल टू 2y, अगर मैंने एक इक्वेशन लिखी x इक्वल टू 2y, इसका मतलब क्या है x y का दुगना है, अगर मैं y 3 ले लूं तो 3 दुनी x 6 हो जाएगा, अगर मैं y 5 ले लूं तो 5 दुनी x 10 हो जाएगा, भाई y जो भी होगा उसका दुगना x होगा, तो ये जो मैंने चीज लिखी है सामने, क्या ये चीज x और y का एक रिलेशन नहीं बता रही, क्या रिलेशन ये है कि x y का दुगना है, यही तो रिलेशन है, अब इनके नंबरों के बीच में ऐसे रिलेशन थोड़े होंगे कि x y का भतीजा है या y x की ननद है, ऐसे रिलेशन थोड़े होंगे नंबरों के बीच में, तो ये रिलेशन होंगे ना भाई, दुगना है तिगना है चौगुना है, तो ये रिलेशन ही होता है नंबरों का, तो दैट मींस मैंने क्या करा x और y के बीच में एक इक्वेशन बनाई, आपको भी यही करना है x और y के बीच में एक इक्वेशन बना के छोड़ देनी है, यही रिलेशन है। अब इक्वेशन कैसे बनाए आगे पढ़ो, आपको दे रखा है कि ये वाला पॉइंट है ना एक्स कोमा वाई, ये इन दोनों पॉइंट से बराबर की दूरी पर, दैट मींस इससे इसकी दूरी निकालो, फिर इससे इसकी दूरी निकालो, बराबर कर दो, इक्वेशन बन जाएगी, छोड़ देना, ठीक है, इजी वेरी इजी। चलिए तो इस पॉइंट को ले लेते हैं ए, इस पॉइंट को ले लेते हैं बी, और जो वो पॉइंट मिसिंग है उसको ले लेते हैं पी, तो डिस्टेंस पी ए निकालूं पहले, क्या निकालूं डिस्टेंस पी ए, और इक्वी डिस्टेंट है तो साथ के साथ ही करते चलो, साथ के साथ ही कर देते हैं अपन कि डिस्टेंस पी ए जो है, या चलो पहले निकाल लो आराम से, डिस्टेंस पी ए निकालते हैं, तो पी ए माइनस पी करोगे, बोलो ए माइनस पी, तो ए माइनस पी यानी थ्री माइनस एक्स, 3 माइनस एक्स, ठीक है, दिख नहीं रहा थोड़ा सा, खोल देते हैं, ठीक है, चलो 6 माइनस वाई,
का होल स्क्वायर करो सॉल्व, a माइनस बी का होल स्क्वायर की प्रॉपर्टी लगाओ, तो 3 का स्क्वायर 9, 2ab, 2 3 जा 6x प्लस x का स्क्वायर, सही किया है, चलो 6 माइनस y का होल स्क्वायर सॉल्व करो, 6 का स्क्वायर 36, माइनस 2ab करोगे तो 2 6 जा 12, 12 y जा 12 y प्लस y का स्क्वायर। अब इसमें जो सिमिलर नेचर की टर्म्स हैं वो जोड़ दो, a की सिमिलर प्लस का कहां पे 3 माइनस एक्स है ना बेटा, क्या कह रहे हो बेटा, इसको a माइनस, देखो 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये डिसाइड करो उसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से कंपेयर करोगे या a माइनस बी के होल स्क्वायर से कंपेयर करोगे, क्योंकि कंपेयर ये दोनों से हो सकता है। अगर आपने इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर से कंपेयर किया है तो b की वैल्यू पॉजिटिव x है, और अगर आपने a प्लस बी के होल स्क्वायर से कंपेयर किया है तो b की वैल्यू नेगेटिव x है। अब आपने a माइनस बी के होल स्क्वायर से कंपेयर किया है ना, जिसकी वैल्यू क्या होती है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, यही होती है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर की वैल्यू से अगर आप कंपेयर करोगे तो b पॉजिटिव x लोगे या नेगेटिव x लोगे, पॉजिटिव x लोगे, तो 2 माइनस तो लग गया, 2 इंटू ए क्या है 3, इंटू बी क्या है पॉजिटिव x, तो ये माइनस 6x ही तो बनेगा, ठीक है। आप b की वैल्यू माइनस x मान रहे हो, b की वैल्यू माइनस x नहीं है, b की वैल्यू पॉजिटिव x है, या तो फिर इसको इससे कंपेयर करो, इससे कंपेयर करोगे तो भी वैल्यू तो यही आएगी, चेक कर लेना, कंपेयर किससे कर रहे हो वो डिसाइड करो बस, ठीक है। पॉलिनोमियल सॉल्व करने में प्रॉब्लम है ही सही पूरी क्लास को, हाँ बताओ बताओ, कहां पे कौन सी जगह कह रहे हो बेटा, हाँ थ्री माइनस एक्स के होल स्क्वायर में कंफ्यूज हो या किस में कन, थ्री माइनस एक्स के होल स्क्वायर में कंफ्यूज, क्लास 9 का भी बैच शुरू किया है, सुबह आओ 8 बजे सब लोग, पॉलिनोमियल ही चल रहा है, थ्री माइनस एक्स का होल स्क्वायर ए माइनस बी के होल स्क्वायर से कंपेयर करना चाहते हो या ए प्लस बी के होल स्क्वायर से, एक चीज बताओ, ठीक है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये मैं कंपेयर कर रहा हूं उसको, ये लो कलर चेंज कर देता हूं आपके लिए ताकि डिफरेंशिएट कर सको, ए माइनस बी का, आवाज नहीं, का होल स्क्वायर, ए की वैल्यू बोलो, तनिषा बोलो, ए की वैल्यू यहां लिख देता हूं कोई दिक्कत, बी की वैल्यू एक्स या माइनस एक्स, एक्स, क्योंकि माइनस से तो माइनस कंपेयर हो गया ना, बी की वैल्यू। अब मुझे बताओ तनिषा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, आइडेंटिटी से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, इसमें तो कोई दोराया नहीं है, ये तो बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ओके ए का स्क्वायर करोगे, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू क्या है 3, तो दैट मीन्स 3 का स्क्वायर करोगे, फिर माइनस है माइनस लगा दूं, फिर 2 है 2 लगा दूं, फिर ए है ए की वैल्यू लिख दूं, फिर बी है बी की वैल्यू लिख दूं, फिर प्लस है प्लस लिख दूं, फिर बी का स्क्वायर है एक्स का स्क्वायर लिख दूं, इसको सॉल्व करो, 3 का स्क्वायर व्हाट इज माइनस 2 इंटू 3 इंटू एक्स या प्लस 6x, माइनस 6x प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब सारी बातें एक साइड रखो और कुछ रिजल्ट्स याद रखो, जब भी दो नंबर मतलब दो चीजें हैं मेरे पास, समथिंग और समथिंग, और इसके बीच में या तो प्लस साइन है या माइनस साइन है, और इसका हम कर रहे हैं क्या होल स्क्वायर, तो अगर प्लस का साइन है तो तीनों टर्म्स पॉजिटिव आएंगी, 1 2 3, और अगर बीच में नेगेटिव साइन है तो एक टर्म तो नेगेटिव आएगी, सही ना, आप कैसे तीनों को पॉजिटिव कर सकते, फिर नेगेटिव साइन का मतलब ही क्या हुआ, हाँ अगर दोनों नेगेटिव साइन है, इधर भी नेगेटिव है और, तो फिर सारी टर्म्स वापस पॉजिटिव आएंगी, वो चीज मैंने करके बता दी, क्योंकि दोनों नेगेटिव हो तो उसको प्लस की तरह ट्रीट कर लिया, लेकिन बीच में एक नेगेटिव है तो एक टर्म तो नेगेटिव आएगी आएगी ना, ठीक है क्लियर है, ये प्रोजेक्टर बोर्ड भी दुहाई दे रहे होंगे, क्या पढ़ा रहे हो 10th वालों को, 9 प्लस 36
45 माइनस 6x एज इट इज प्लस x स्क्वायर एज इट इज माइनस 12y एज इट इज प्लस y स्क्वायर एज इट इज, क्योंकि सारे टर्म्स अब अलग अलग नेचर के हो गए, केवल कांस्टेंट से कांस्टेंट जुड़ सकता था, जोड़ दिया भाई, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से नहीं जुड़ सकता, y वाला x से नहीं जुड़ सकता, x वाला x, सारे टर्म्स अलग अलग हैं, अलग अलग नेचर के। चलो डिस्टेंस पी हो गया हमारे पास, अब नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट क्या करना है, डिस्टेंस पी बी, तो बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट सेट करो, पी बी, पी बी बोले तो बी माइनस पी, बी माइनस पी, तो माइनस थ्री माइनस एक्स, बी माइनस पी करोगे ना, माइनस थ्री माइनस एक्स का होल स्क्वायर, एक बार लिख दूं फिर ट्रांसपेरेंट कर दूंगा वापस, और फिर फोर माइनस वाई का होल स्क्वायर, फाइन, ठीक है, ठीक है। हाँ जी, अब देखो दोनों नेगेटिव हैं, अब क्या है, दोनों, अब तीनों टर्म्स पॉजिटिव आएंगे, अब आप इसको थ्री प्लस एक्स की तरह ट्रीट करो बस, सिंपली माइनस तो समझ लो दोनों माइनस प्लस हो गए, ऐसे मान लो, पर लेकिन ऐसा तब होगा जब ऊपर होल स्क्वायर लगा हुआ है, अगर होल स्क्वायर नहीं लगा हुआ तो ये माइनस थ्री माइनस एक्स ही है, इनको जबरदस्ती थ्री प्लस एक्स मत लिख देना फिर, लेकिन होल स्क्वायर लगा हुआ है तो जो थ्री प्लस एक्स के होल स्क्वायर की वैल्यू आएगी वो की वही वैल्यू माइनस थ्री माइनस एक्स के होल स्क्वायर की भी आएगी, इसीलिए मैं इसको थ्री प्लस एक्स की तरह ट्रीट कर रहा हूँ, तो थ्री प्लस एक्स का होल स्क्वायर कर दो, नाइन सिक्स एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे सारी टर्म्स पॉजिटिव प्लस, अब देखो बीच में एक नेगेटिव साइन है तो इसमें एक टर्म नेगेटिव आएगी, फोर का स्क्वायर प्लस 16, और टू ए बी करो, टू फोर जाए एट वाई, ये वाली टर्म नेगेटिव करो, प्लस वाई स्क्वायर, कोई दिक्कत, नाइन और सोलह प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एट वाई प्लस, ठीक है एक्स्ट्रा चीजें हटा देता हूं मैं, अब अपने को क्या करना है, रिलेशन निकालना है एक्स और वाई के बीच में, और हमको गिवन है कि डिस्टेंस पी ए और डिस्टेंस पी भी बराबर है, कहां गिवन है, हमको ये गिवन था कि पॉइंट्स, ये वाला पॉइंट इन दोनों पॉइंटों से बराबर दूरी पर है, तो ये वाले पॉइंट की इससे दूरी निकाल ली उसको कह दिया पी ए, ये वाले पॉइंट की इससे दूरी निकाल ली उसको कह दिया पी बी, तो दैट मीन्स डिस्टेंस पी और डिस्टेंस पी भी बराबर हो जाएंगी, तो जैसे ही मैं इस चीज को इस चीज के बराबर करूंगा, यहां कर देते हैं, तो देखो रूट से रूट तो कट जाएगा, एक स्टेप में स्किप कर देता हूं, वहां स्पेस नहीं है, तो रूट से रूट काट के मैं लिख देता हूं, क्या वैल्यू मिली, 45 माइनस 6x प्लस x स्क्वायर माइनस 12y प्लस y स्क्वायर, और उधर वाला रूट भी काट दो, क्या बचा, 25 प्लस 6x प्लस x स्क्वायर माइनस 8y प्लस y स्क्वायर, आहा क्या मजा आया, बहुत मजा आया, बहुत मजा आता है ऐसे भारी भरकम चीज एक साथ ही, ऐसे परिवार खात्मा हो जाता है, ठीक है। चलो 6x को इधर ले आता हूं, इधर ऑलरेडी माइनस 6x है, वो 6x भी इधर आ गया तो ये भी माइनस 6x हो गया, ये ऑलरेडी क्या है यहाँ पे माइनस 12y, उधर से y को बुलाओ तो माइनस 8y इधर आके क्या बनेगा, प्लस 8y, कॉन्स्टेंट टर्म यहाँ पे है 45, प्लस का 45, वहां से कॉन्स्टेंट टर्म 25 यहाँ आएगा तो माइनस 25 इक्वल टू 0, सब कुछ इधर लिया अपन, माइनस 6x माइनस 6x माइनस 12y माइनस 12y प्लस 8y, 45 में से 25 गए प्लस के 20 इक्वल टू 0, तो वैसे तो ये रिलेशन मिल चुका है बट ये और भी सिंप्लीफाई हो सकता है क्योंकि सब में से 4 कॉमन आ रहा है, माइनस 12 माइनस 4 और 20 सब में से 4 कॉमन आ रहा है, तो लेट्स टेक 4 कॉमन आउट ऑफ देम, तो यहां कर देता हूं इस ब्लॉक में, तो 4 कॉमन ले लूं मैं, 4 क्यों कॉमन ले तो माइनस 4 कॉमन लो ताकि पहली टर्म पॉजिटिव हो जाए, क्योंकि किसी भी इक्वेशन में पहली टर्म नेगेटिव अच्छी नहीं लगती, पहली टर्म पॉजिटिव अच्छी लगती है, और नेगेटिव को पॉजिटिव करने का तरीका क्या है, उसमें से माइनस वाला संख्या को कॉमन ले लें, तो 4 की जगह मैं क्या ले लेता हूं, माइनस, माइनस 4 कॉमन ले लो क्या बचेगा, 3x, वहां से माइनस 4 कॉमन लिया क्या बचा, प्लस y, वहां से माइनस 4 कॉमन लिया तो क्या बचा, माइनस 5, प्लस 20 में से प्लस के नंबर में से माइनस कॉमन लिया तो माइनस बचा ना, माइनस 5 इक्वल टू 0, नेक्स्ट स्टेप में माइनस 4 को 0 से डिवाइड करा के 0 बना देंगे, तो 3x प्लस y माइनस 5 इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय माइनस 4, और 0 डिवाइडेड बाय माइनस 4 क्या, 0, तो फाइनल इक्वेशन इज 3x प्लस y माइनस 5 इक्वल टू 0, देखो होपफुली इसी फॉर्म में आंसर होगा, इक्वेशन बना के छोड़ दो और नीचे लिख दो दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन x एंड y, दिस इज द required relation between x and y, क्योंकि किसी महापुरुष ने कहा था
क्लास टेंथ तक अगर एक्स और वाई के बीच का रिलेशन पूछे तो इक्वेशन बनानी होती है। बना दी? अभी अभी तो कहा था थोड़ी देर पहले, भूल गया कि जल्द। ठीक है, तो एक्सरसाइज हो गई मेरी तरफ से। ठीक है, और कुछ खास क्वेश्चन थे नहीं, बस थोड़े से ये था कि नॉलेज होनी चाहिए और नाइन्थ के पॉलिनोमियल सॉल्व करने आने चाहिए, प्रोवाइडेड दैट। ठीक है, कल से वी आर गोइंग टू स्टार्ट सेक्शन फॉर्मूला। अब थोड़ी सी डिफिकल्टी लेवल बढ़ती जाएगी इस चैप्टर। ठीक है, चलिए आज के लिए काफी है। अभी जो भी काम करवाया आज उसका फेयर वर्क हो जाना चाहिए। जैसे आज रफली किया तो उसका जो भी फेयर वर्क आपको करना है हो जाना चाहिए कल तक। और जो बच्चों को मैंने होमवर्क दिया बैठ के होमवर्क करके जाके चेक करा के जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस। हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।